आज के समय में बिजी लाइफ के कारण सेहत का ख्याल रख पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए योग सबसे अच्छा माध्यम है। आज हम आपको सर्वांग आसन करने के बेहतरीन फायदों के बारे में बताने वाले हैं। यह आसन आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सर्वांग आसन योग एक ऐसा आसन है जो शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो चलिए जानते हैं सर्वांग आसन योग करने के तरीका और उसके फायदों के बारे में। सर्वांग आसन योग करने का तरीका। सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, हथेलियां नीचे रहेंगी। टांगों को सीधा हवा में ऊपर की तरफ उठाएं, धीमी गति से टांगों को सिर की तरफ मोड़ लें, दोनों हाथों को कमर पर ले जाकर सहारा दें। हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, टांगों को ऊपर की तरफ खींचकर उठाने की कोशिश करें। कंधे, रीढ़ की हड्डी और हिप्स एक ही सीध में आ जाएंगे, 90 डिग्री का एक कोण बन जाएगा। इस स्थिति में आप लोग 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक बने रहने की कोशिश करें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें और धीरे धीरे योग मैट पर वापस आ जाएं। टांगों को भी धीमी गति से योग मैट पर वापस लेकर आ जाएं। ये आसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्वांग आसन करने की सावधानियां। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायरिया की समस्या है, घुटने में दर्द की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, गर्दन में दर्द की समस्या है, या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, हर्निया की समस्या है, तो उस व्यक्ति को सर्वांग आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वांग आसन के फायदे। थायराइड की समस्या में फायदेमंद। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके लिए सर्वांग आसन रामबाण की तरह कार्य करता है। सर्वांग आसन करने से आपकी थायराइड ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करती है, जिसकी वजह से ये समस्या आसानी से खत्म हो जाती है। दिमाग तेज करने में फायदेमंद। सर्वांग आसन आपका दिमाग तेज करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सर्वांग आसन करने से रक्त का संचार आपके दिमाग में बहुत ही तेजी से होता है, बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह भी बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपके दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करने लग जाता है। इसका फायदा आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा मिलता है, आपके बच्चों का दिमाग भी तेज हो जाता है। दिल के लिए फायदेमंद। सर्वांग आसन दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, क्योंकि सर्वांग आसन करने से दिल की मांसपेशियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इससे दिल को वापस और उल्टी दिशा में रक्त को पंप करना पड़ता है। इससे दिल की मांसपेशियों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है और मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। पाचन की समस्या में फायदेमंद। सर्वांग आसन आपकी पाचन की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को पाचन से संबंधित समस्या है, कब्ज से संबंधित समस्या है, उन लोगों को हर रोज नियमित रूप से सर्वांग आसन जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। वेरिकोज वेन की समस्या में फायदेमंद। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या है जिसमें टांगों की नसें मोटी हो जाती हैं और स्किन पर उभरी हुई दिखने लगती है। सर्वांग आसन करने से आपको इस समस्या से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। आंखों की रोशनी तेज करने में फायदेमंद। सर्वांग आसन आपकी आंखों की रोशनी तेज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोग नियमित रूप से सर्वांग आसन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्वांग आसन करने से आपके दिमाग में रक्त का संचार, ऑक्सीजन का संचार बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी आंखों पर अच्छा असर पड़ता है। वजन कम करने में फायदेमंद। सर्वांग आसन वजन कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप लोग इसे नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपका वजन कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा कम हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तनाव की समस्या में फायदेमंद। अगर किसी व्यक्ति को इन समस्या में से कोई भी एक समस्या है तो उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको डिप्रेशन से निकालने में बहुत ही अच्छी मदद करता है। आपकी एंजाइटी की समस्या को भी दूर भगा देता है। सेक्स की समस्या में फायदेमंद। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सेक्स करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, उन लोगों के लिए सर्वांग आसन एक रामबाण की तरह कार्य करता है। जो लोग अपने सेक्स की समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो लोग डॉक्टर के पास जाकर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग एक महीने लगातार सर्वांग आसन को करके देखें और उसका रिजल्ट आपको अपनी आँखों से दिख जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन आपको एक महीने रेगुलर करना है और एक महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। डायबिटीज की समस्या में फायदेमंद। अस्थमा,
डायबिटीज, लीवर की बीमारी और आंतों की परेशानी को दूर करने में सर्वांगासन बहुत लाभदायक होता है। यह स्किन को सिकुड़ने से बचाता है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने नहीं देता है। इससे आपकी स्किन काफ़ी लंबे समय तक जवान दिखाई देती है। सिर दर्द की समस्या में फ़ायदेमंद, जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या रहती है, जो लोग अपने सिर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं लेकिन फिर भी सिर दर्द कम नहीं हो पा रहा है, तो मैं सच में गारंटी देता हूँ आप लोग सर्वांगासन को एक हफ्ते तक ही करके देख लीजिए। उसका रिज़ल्ट आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा और जब आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल जाए तो आप लोग इस आसन को रेगुलर करना शुरू कर दें। बवासीर की समस्या में फ़ायदेमंद, सर्वांगासन बवासीर की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आपके बवासीर के मसलों को कम करता है और उसे ठीक करने में बहुत ही अच्छी और अहम भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बवासीर की बीमारी तभी होती है जब आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है और यह आपके पेट को कभी ख़राब होने नहीं देता है। एनीमिया की समस्या में फ़ायदेमंद, सर्वांगासन एनीमिया की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है उन लोगों के शरीर में खून को बढ़ाने के लिए भी सर्वांगासन एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि सर्वांगासन करने से आपकी भूख खुलने लगती है। गले की समस्या को दूर करने में फ़ायदेमंद, सर्वांगासन आपकी गले की समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को खराश की समस्या होती है, उनकी खराश ठीक तरह से नहीं जा पा रही है, उन लोगों के लिए सर्वांगासन एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा भी सर्वांगासन के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को हर एक स्टेप, हर एक फ़ायदा अच्छी तरह से समझ में आया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई समस्या है, अगर आप लोगों को ये वीडियो ऐसी लगी है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पर हो। अगर आप लोग ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता।